डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। क्या लोकसभा चुनाव में दोस्ती का गठबंधन ओमी कलानी को विधानसभा चुनाव में पड़ेगा भारी? पूर्व आमदार पप्पू कलानी जाएंगे जेल। अगर ओमी कलानी का प्रचार करना बंद नहीं किया तो भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने दी कलानियों को आखिरी चेतावनी। आज उल्लासनगर के गोल मैदान स्थित खासदार कार्यालय में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का जनता दरबार था, जहां टीओके पार्टी के प्रमुख ओमी कलानी सह भाजपा के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मुलाकात के बाद जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने कलानियों को आखिरी बार चेतावनी देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथ ही टीओके प्रमुख ओमी कलानी ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। इसमें जो हमारे विरोधी हैं, जो श्रीकांत शिंदे जी को तो एक बहुत बड़ा योद्धा काम का बताते हैं, लेकिन कुमार एलानी को बताते हैं बिल्कुल काम नहीं किया। वह दोस्ती का गठबंधन अभी यहाँ भी दिखा हमें, तो उनकी पोजीशन बहुत ही दयनीय हो गई है। उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ श्रीकांत शिंदे हैं, दूसरी तरफ कुमार एलानी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की एक मजबूत गठबंधन है और उसमें उनको ये राह नहीं मिल रही है कि किसका हम लोग समर्थन करें और किसका हम विरोध करें। इसलिए ऐसे जिनके पास रास्ता नहीं होता, जनता भी उनको पूरी तरह से नकार देती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से हमारे खासदार ने उल्लासनगर 141 से 54,000 वोटों की लीड ली, वही लीड भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा अपनी लीड बरकरार रखेगा। जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति है, मजबूत युति है, और आए दिनों जो योजनाएं सरकार ने चलाई है, बहनों के पास जो 3,000 आने शुरू हुए हैं, उसका असर भी यहां पर जोरदार है। और बाकी मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि पप्पू कलानी जी जो दर दर भटकते हैं ओमी कलानी जी को आमदार करने के लिए, उनकी जो 1465 में जमानत हुई है उसका आधार अशक्त है, वह बीमार हैं इसलिए हुई है। लेकिन अगर वो राजनीति करेंगे तो मैं आज फिर से कहता हूं और आखिरी बार कहता हूं कि इसका खामियाजाना कलानी परिवार को फिर से भुगतना पड़ेगा। मैं तो ये बोलूँगा कि एक चोर कैरेक्टर का आदमी पप्पू कलानी के ऊपर टिप्पणी करे और हमारा शहर वो सुने, ऐसा वो अभी टाइम रहा नहीं है। वो खुद एक चोर है और पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के मशहूर चोर हैं, जो एक फाइल चोरी किया था। दूसरी बात ये, अगर धमकी देना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए हम कलानी हैं, हमको ये जेल वेल से डरने वालों में से नहीं है। उल्टा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे मेरे आमदार इलेक्शन में कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक मुझे सिंपथी में घर बैठ के वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में आपने दोस्ती के गठबंधन में उनको सपोर्ट किया था जी, तो अभी आने वाले विधानसभा में आप खासदार जी से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैंने डे वन पे मैंने सभी को ये बोला था कि मैंने जो भी डिसीजन लिया, दोस्ती में डिसीजन लिया, उसमें उनसे मैंने कोई भी मदद नहीं मांगी है। और इवन अदरवाइज टेक्निकली लीगली जो उनका जो युति है, वो चाके न चाके भी वो मुझे मदद नहीं कर पाएंगे और ना ही मेरी कोई ऐसी अपेक्षा है। तभी शहर के विकास के लिए आपने कुछ उनसे मांग की है? जी हाँ, आज ही जो मीटिंग था मेरा, वो हमने जो शहर के मैनिफेस्टो टीओके के हमने जो दिए थे खासदार इलेक्शन में, वो मैनिफेस्टो में जो कुछ मांग हमने रखी थी, उस विषय में आज हमारा मुलाकात था। जरा खुल के बताएंगे क्या क्या मांग आपने दी? देखिए, दो तीन मांग थे जो हमने जाहिर किए थे उस टाइम पे, जैसे एक कब्रिस्तान का विषय हुआ और दो तीन ऐसे विषय हैं जो हमने उनको डिमांड किए थे। और उसके अलावा भी काफ़ी जो हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स है, अभी ऐसा जो रुझान जो दिख रहा है वो दिवाली के बाद इलेक्शन लगने का चांस दिख रहा है, तो जो बीच का जो समय है हमारे शहर में, हम जो कुछ भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट कर सकेंगे हम वो कोशिश कर रहे हैं। ओमी कलानी जी ने आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी की मुलाकात की और उल्लासनगर के विकास के ऊपर सकारात्मक चर्चा, फंड्स और धोखादायक इमारतों के ऊपर निर्णय होना चाहिए, उल्लासनगर के पानी की समस्याओं को हल होना चाहिए, उल्लासनगर की सुरक्षाओं के विषय के ऊपर हमने संबंधित उनके लिए सभी जानकारी भी दी ओमी कलानी जी ने, और आने वाले दिनों में उन्होंने सकारात्मक चर्चा करके शहर में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उन्होंने हमसे वादा किया है। अभी आपने लोकसभा में दोस्ती के गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा था, उनको सपोर्ट किया था,
तो अभी आने वाली विधानसभा में आपने उनसे कुछ मांग की है क्या? देखिए, हमने लोकसभा में दोस्ती के गठबंधन को ओमी कलानी जी ने, खासदार महोदय जी को बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी नगर सेवक सभी लोगों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कलानी के समर्थकों ने इस बार दोस्ती के गठबंधन निभाया था। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप देख सकते हो आने वाले दिनों में देखो होता है क्या। अभी प्रदीप रामचंद्र जी ने एक बाइट दिया, उसमें कहा कि पप्पू कालानी जी बीमार है इसलिए उनको जामीन हुआ है, लेकिन वो जिस तरीके से ओमी कालानी का प्रचार कर रहे हैं उसके कारण हम लोग कोर्ट में जाने वाले, तो आपका क्या कहना है? देखिए, प्रदीप रामचंदानी मानसिक रूप से बीमार हो चुका आदमी है और मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। तो उल्लासनगर की राजनीति के जो आसार दिख रहे हैं, उल्लासनगर की जो आम जनता है वो कालानी परिवार के साथ में है, और प्रदीप रामचंदानी जो कह रहे हैं वो झूठे वादे करके जो लोगों को फंसाना चाहते हैं। पप्पू कालानी स्ट्रांग है, पप्पू कालानी की तबीयत ठीक है और स्टार प्रचारक और मार्गदर्शक के तौर पर पप्पू कालानी जी काम कर रहे हैं। ओमी कालानी जी को चुनाव जीतना कोई रोक नहीं सकता है और आने वाले दिनों में वो पता चल जाएगा। और लोकसभा में हम आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी के साथ में थे, विधानसभा में देखिए होता है क्या। कमलेश जी, क्या आपको लगता है कि पप्पू कालानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र रच रही है? देखिए, पप्पू कालानी को वापस जेल के सलाखों में बेचकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जनता उल्लासनगर की बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बार बार लोगों को 5 सालों में कुमार ऐलानी जी ने क्या किया उसके ऊपर बताना चाहिए। कुमार ऐलानी ने 5 सालों के अंदर पानी का प्रश्न क्यों नहीं किया, शहर में गड्ढे क्यों हैं, शहर की महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करें, सुरक्षा के ऊपर बात करके छोड़कर सिर्फ पप्पू कालानी को जेल के सलाखों में डालना है, ओमी कालानी को जेल के सलाखों में डालना है, तो ये कहा नहीं तो कहा, शहरवासी जान रहे हैं। अभी एक बात बीजेपी वालों ने कही है कि जो शहर का विकास है वो झापी कंपनी के कारण रुका पड़ा है, वो काम नहीं कर रहे शहर का, तो उनकी कंपनी को काली यादी में डालने की ऊपर चर्चा हुई है बीजेपी की तरफ से, तो आपको क्या लगता है झापी कंपनी शहर का काम करे कि नहीं करेगी? 42 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो एम रामचंदानी, प्रदीप रामचंदानी जी के बेटे की कंपनी है, उसके ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही आमदार और यही नगर सेवक करोड़ों रुपए का घोटाला लगा रहे थे, उस घोटाले की जो जांच है उस जांच को लेकर खासदार महोदय जी के पास में ये आए थे, इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर भी आरोप लगाए थे, इन्होंने कमिश्नर का भी निलंबन की कार्रवाई की थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक के बेटे की 42 करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर क्या वो आमदार और वो नगर सेवक बात करेंगे? अभी अभी प्रदीप रामचंदानी ने कहा है कि जो 100 करोड़ का वो घोटाला उजागर करने वाले थे उसके ऊपर उसकी लड़ाई चालू थी, चालू है और चालू रहेगी। बिल्कुल नहीं, उन्होंने सब खोटे बिल बना के रखे हैं, उन्होंने सभी के सभी खोटे बिल बना के रखे हैं, उन्होंने 42 करोड़ रुपए में बहुत बड़ा घोटाला किया है। एम रामचंदानी कंपनी के ऊपर और जितने भी कंपनियां हैं वो कोई भी कंपनी है उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। 100 करोड़ के ऊपर कुछ बोलेंगे निकम जी? 100 करोड़ रुपए पे भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर आमदार भी शामिल है, शहर के उनके कंपनी के नगर सेवक भी शामिल है, आमदार के ऊपर लोगों ने सवाल पूछना चाहिए कि हमारे शहर के 100 करोड़ रुपए जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए वो गए कहाँ।